सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी ब्लाउज के पीछे की बैक डिजाइन। ये हमारा पीछे का पल्लर है, तो सबसे पहले हम मफलर पे कटिंग करेंगे। यहाँ से हम गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच की। गले की लंबाई लेंगे 9.5 इंच की और इसमें हम इस तरीके से गोलाई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहां से निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और इसमें हम यहाँ से गोलाई डालेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इसके बराबर हम बुकरम की कटिंग करेंगे। यहाँ से हम ऊपर से 1 इंच ज्यादा ले लें। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। अब हमने इसको 1 इंच यहाँ से बुकरम को ज्यादा लिया है। अब इसको हम एक चौकुटे कपड़े पर रखेंगे। अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। हमें इस पे आधा आधा इंच की हल्की हल्की सिलाई लगानी है क्योंकि हम इसको सीधा करेंगे। अब इसको हम सीधा करके सिलाई लगा लें। अब हमने टुकड़े किए 1-1 इंच के। इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना है। टुकड़ों को हम यहाँ पे लगाएंगे। आधा इंच ऊपर की साइड छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे हम शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। अभी हमने लगा ली है। अब इसी तरीके से हमें इसको इस तरीके से करके यहाँ पे इसको बराबर करेंगे और दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगाएंगे।
अब हम यहाँ पे लेस लगाएंगे। अब हम अस्तल के बराबर कपड़े की कटिंग करेंगे। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको सीधा करके इस पे सिलाई लगाएंगे। अब इसको हमें बराबर तरह से निशान लगाना है बीच में, इसी तरीके से ही हमारी जो डिजाइन है इस पर भी निशान लगा लें। अब ये निशान को हम इस तरीके से मिला के पहले हम इस पर कच्ची सिलाई कर लें, बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब जैसे हमने यहाँ पे 1 इंच ज़्यादा लिया था तो ये हमारा यहाँ पे बराबर हो गया है और यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमेशा बुकरम का गला बनाएं तो आप 1/2 इंच या 1 इंच ज़्यादा ही लें। अब हम इसको अच्छे से सेट करके पहले हम इस पर कच्ची करेंगे, बाद में हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ से इस पर कच्ची करेंगे। अब हम ये कच्ची सिलाई को हटा देंगे।
ये बन गई हमारी ब्लाउज की पीछे की बैक डिजाइन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।